हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप किस तरीके से एक टेबल को ऐड कर सकते हो। ओके, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरीके से आप एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल को ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आप ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अभी ही सब्सक्राइब इस चैनल को कर लो। और बाजू में नोटिफिकेशन का बेल का आइकॉन होगा, तो आपको जैसे हम नए वीडियो पब्लिश करें तो आपके साथ ये नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप ये वीडियो को देख सको जल्द से जल्द और आप ये कुछ सीख सको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और चलते हैं अभी कि किस तरीके से हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक टेबल को ऐड कर सकते हैं। पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं 13 में आपको डेमो दिखा रहा हूँ। पर आपको इसी तरीके से यही ऑप्शन में उस जगह पे कहीं पे ये आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो पहले आपको इंसर्ट मेनू पे जाने का है, तो इंसर्ट मेनू पे क्लिक कर लो। वहाँ पे नीचे ही आपको मिल जाएगा कि टेबल्स टेबल, तो आप यहाँ से जितने भी आपको रो चाहिए कॉलम चाहिए ये आप ऐड कर सकते हो। और जैसे कि देख सकते हो आप, जैसे ही मैंने पहले सेल पे पहले जो बॉक्स है उस पर होवर किया तो एक रो पूरी ऐड हो गई है, इधर दिखाई दे रही है। उसी तरीके से अगर आपको दो कॉलन तीन कॉलन वाला टेबल चाहिए तो तीन ले लो पहले, और आपको फर्स्ट फाइव रोज चाहिए तो एक दो तीन चार, जैसे ट्रैक करोगे यहाँ पे जो आप ट्रैक करोगे वो अरेंज हो जाएगा, उतना टेबल आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप अभी सिंपली आपको आपके रिक्वायरमेंट के बेस्ड ऑन यहाँ से राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से आपको कर्सर को मूव करना है सिर्फ। तो अभी हम इस तरीके से कोई डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ, तो मैं क्लिक कर लूँगा वैसे ही पूरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं कि टेबल को किस तरीके से इसमें एडिट आप कर सकते हो। मैं फॉर एन एग्जांपल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ, यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे रिमार्क्स। ओके, तो आप पहले ही यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया है। जब भी आप बीच बीच में जाओगे, अगर आपको कोई नई रो ऐड कर ली है उसके पहले, तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करो तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तो आप ये ऑप्शन पे क्लिक करने से आपकी एक रो ऐड हो जाएगी। अगर आप लास्ट रो में हो, या तो अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप सिंपली जो फॉर एन एग्जाम्पल ये रो में हो, इसके बाद मेरे रो नहीं है, तो आप ये सेल में चले जाओ, उसके बाद आप सिंपली आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे टैब आ रही होगी, तो वो टैब आप एक बार दबा दो तो आपकी एक नई रो में आपकी एंट्री डाल सकते हो। इसी तरीके से जब जब भी आपको कोई रो ऐड करनी हो तो सिंपली आप लास्ट वाले कॉलम में जाके टैब कर सकते हो, तो आपको इसी तरीके से मिल जाएगा आपकी नई रो। तो आपको क्लिक करने की भी यहाँ पे अगर क्लिक करना है, बीच में कोई एंट्री चाहिए तो क्लिक करके इजी ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल को एडिट कर सकते हो। इसको अगर मूव करना हो तुमको कुछ थोड़ा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप सिंबल देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, तो वहाँ पे आ जाके आपको कंट्रोल दबा के लेफ्ट की को प्रेस करना है और कहीं पे भी ड्रैग करने की कोशिश करनी है। तो अभी मैं इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, तो आपने देखा कि मेरा टेबल मूव हो गया अभी। ओके, इसी तरीके से आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, तो वो आपके बेस्ड रिक्वायरमेंट के बेस्ड ऑन होता है। तो आप मैन्युअली भी यहाँ से टेबल को इंसर्ट इस यहाँ से कर सकते हो। फिर क्विक टेबल्स में आपको इस तरीके की कुछ बिल्ट इन मिल जाएगा, तो ये आप इस तरीके की भी एंट्रीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट का भी चाहिए टेबल, तो भी आप यहाँ से ला सकते हो। मैं एक नया वीडियो बना दूँगा इसके लिए, तो तब आप यहाँ पे डिटेल में जाके देख लेना। आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और ये वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगा है तो अभी इस वीडियो को आप लाइक कर दो, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट नीचे वीडियो के नीचे। और आपको आपने अभी तक ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो,
ताकि और नए वीडियो इस तरीके से आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।